नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मुंड। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि आपके पांव में जूते भले ही नहीं हो, लेकिन आपके हाथ में किताब अवश्य होनी चाहिए। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी परिवार, समाज और देश की सूरत और सीरत अगर बदलनी हो, दशा और दिशा अगर बदलनी हो, तो शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। आज राजस्थान का सीकर जिला मुख्यालय अगर जिस वजह से संपूर्ण भारत भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसका नाम शिक्षा है। मैं उसी शिक्षा नगरी सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब के पीसीपी संस्थान से बोल रहा हूं। नीट और जेई आज के दिन वो फील्ड है जिसमें पहुंचना हर एक विद्यार्थी का सपना होता है। नीट जिसके माध्यम से आपका बेटा बेटी भावी मेडिकोज, भावी डॉक्टर बनेगा, जो दुनिया का सबसे सफल, सबसे जेंटल और सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जेई जिसके माध्यम से आपका बेटा बेटी आईआईटीएन और एनआईटीएन बनकर के दुनिया का टेक्नोक्रेट बनेगा और दुनिया को संचालित करेगा। यानी ये दोनों ही वो फील्ड हैं जहां पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है और समृद्धि भी है। आपका अपना पीसीपी संस्थान पिछले 10 साल से नीट और जेई के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए बच्चों को उनके सपनों के लिए तैयार कर रहा है। अगर अकेले नीट 2022 की बात करें तो कुल प्रविष्ट 2657 बच्चों में से 613 बच्चा गवर्नमेंट सीट पर एमबीबीएस करने के लिए गया है। यानी 23.07% सक्सेस रेट। हर चौथा पांचवा विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में अपने आप में करिश्मा है, अपने आप में एक मिसाल है। अगर जेई के 2021-22 के परिणामों की बात करें तो कुल प्रविष्ट 1014 विद्यार्थियों में से 376 बच्चा आईआईटीज और एनआईटीज में गया है। यानी 37% सक्सेस रेट। हर तीसरा विद्यार्थी आईआईटी और एनआईटी। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि पीसीपी में ये हो कैसे जाता है। मैं कहता हूं कि 6 घंटे सभी संस्थाएं पढ़ाती हैं, हमारा काम 6 घंटे के बाद में शुरू होता है। हम तो बच्चे को महज 6 घंटे सोने देते हैं, बचे हुए 18 घंटे उसके ऊपर काम करते हैं। 6 घंटे की क्लास के बाद में हमारा असली काम शुरू होता है, जिसमें डाउट काउंटर सुबह 8 से 6 बजे तक चालू रहते हैं। वीडियो लाइब्रेरी, टीचर जो क्लास में पढ़ाता है वो रिकॉर्ड होकर के वीडियो लाइब्रेरी में चला जाता है। बच्चा सुबह 8 से 6 बजे के बीच में अपनी सुविधा के अनुसार एक टॉपिक को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पढ़ सकता है। सेल्फ स्टडी कैंप, जिसमें बच्चा क्लास में पढ़ाए हुए को स्वाध्याय के माध्यम से अपनी मेमोरी में स्थिर कर सकता है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक चलती रहती है। हर 15 दिन से शुरुआत में टेस्ट होते हैं, उसके बाद में वीकली टेस्ट शुरू हो जाते हैं और सिलेबस कंप्लीशन के बाद में डेली टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। यानी एक विद्यार्थी की 6 घंटे की नींद के बाद 18 घंटे की जिम्मेदारी संस्थान अपने कंधों पर लेता है और यही वजह है कि ये ऐतिहासिक परिणाम तैयार होते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से जब कोई विद्यार्थी और अभिभावक ट्रेन से, प्लेन से, बस से या खुद के साधन से पीसीपी में पहला कदम रखता है, तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि हजारों किलोमीटर से एक आशा और विश्वास लेकर के आए हुए इस शख्स की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। हे ईश्वर, इतना सामर्थ्य और शक्ति हमें देना। घर से दूर जब बच्चा रहता है तो पेरेंट्स सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी चिंतित रहते हैं, बच्चे के खान पान के लिए भी चिंतित रहते हैं। शिक्षा तो मूल है ही। शिक्षा के साथ साथ में सेफ्टी और सिक्योरिटी और बच्चे के खान पान यानी शुद्ध खान पान के लिए भी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आपका बच्चा अगर पीसीपी में है तो जिस दिन आप छोड़ करके गए हैं, उसके बाद जिस दिन लेने के लिए आएंगे, उसके बीच की सारी जिम्मेदारी, उसके एक एक एक्टिविटी की जिम्मेदारी संस्थान अपने कंधों पर लेता है। मैं तो अक्सर पेरेंट्स से कहता हूं कि आप अपने घर में मिलावटी खा सकते हैं, आप अपने घर में बाजार का अशुद्ध खा सकते हैं, पीसीपी प्रिंस में आपका बच्चा अशुद्ध नहीं खा सकता। इवन मसाले तैयार करने की फैक्ट्री भी संस्थान की खुद की है। यानी बच्चा नीट और जेई का ये युद्ध तभी जीत पाएगा जब वो शुद्ध खाएगा और बच्चे को शुद्ध खिलाने की, बच्चे के लिए शुद्ध संस्कारों की, बच्चे के लिए शुद्ध सेफ्टी की जिम्मेदारी आपका अपना प्रिंस संस्थान लेता है। 2023-24 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए मैं संपूर्ण भारत भर के विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि बिना ज़्यादा विलंब किए, क्योंकि कंपटीशन वो फील्ड है जिसमें लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड काम करना पड़ता है। अगर आप हमें पर्याप्त समय देंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। इसलिए बिना विलंब के हमारे अक्सर हर सोमवार को हर स्ट्रीम के 11th, 12th, टारगेट, नीट और जेई, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के नए बैच शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा,
जब भी आप शिक्षा नगरी सीकर आएं, एक बार पीसीपी प्रिंस विजिट अवश्य करें, क्योंकि हम अक्सर ये दावा करते हैं कि शिक्षा नगरी सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप हमारे इस दावे की हकीकत जांचने के लिए प्रिंस अवश्य पधारें। हम आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरे समर्पण के साथ पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पधारो सीकर, पधारो प्रिंस, पधारो पीसीपी।